तो मेरा एक दौर कॉलेज लाइफ था, मेरे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मैं 3 दिन के लिए मैं उस दोस्त को उसकी नस्लों को दुआएं देता हूं जो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के ले गया। ना मेरा तबलीग से कोई ताल्लुक, ना वास्ता, ना मैं कोई उनसे मुतासर। एक लड़का था, बंगाली था, गश करता था, लेकिन मैं उससे ज़रा मुतासर नहीं हुआ। मेरा दोस्त मुतासर हो गया था तो मैं तो उनके करीब से नहीं गुजरता था। तो वो और मैं स्कूल में इकट्ठे आ रहे थे, कॉलेज में इकट्ठे आ रहे थे, तो वो मुतासर हुआ, वो 3 दिन के लिए जा रहा था तो मुझे बताए बगैर मेरा हाथ पकड़ के ले गया, मुझे काम है चलो मेरे साथ। और मैं उसको इनकार नहीं कर सकता था, ये मेरा उसका ताल्लुक था। अब भी उसी तरह भाइयों जैसा ताल्लुक, मैं उसका एहसान मां, मुझे ज़बरदस्ती ले गया। हमारे पंजाबी की मिसाल है, कुब्बे नू लत लगी वो सिद्ध हो गया। वो जो होता है हंच बैक होता है ना, उसको किसी ने लात मारी तो सीधा हो गया। मेहरबानी भाई तेरी लात से मैं सीधा हो गया, तो मुझे तो वो कुब्बे वाली लत पै गई। तो अल्लाह ने मुझे इस तरफ लगा दिया। और जब मेरी कॉलेज लाइफ, मैंने कॉलेज का बेहतरीन सिंगर था, स्कूल का बेहतरीन, ये जुना जमशेद क्या है जो उस जमाने में ये सारा को ठाठाइया मैंने सारा किया है। जिस जमात में 3 दिन मैंने लगे और मैंने कहा मैं 4 महीने लगाऊंगा, 4 महीने अल्लाह ने तकदीर लिखी थी, तो मैं आगे चला गया रायमंड। रायमंड से मिल गई जमात, सारे अनपढ़, सारे बड़ी उम्र, मेरी उम्र 18 साल, वो सब 40 साल से ऊपर, 60-70, और सब अनपढ़ और सब डेरा इस्माइल खान के देहाती, और इतने गुस्से वाले कि जमात में रोज लड़ाई होती थी। एक आदमी चाय नहीं पिया करता था, तो वो रोजाना कहता चाय क्यों बनाई है, मेरी चवानी वापस करो, 4 आने मेरे वापस करो, तो 4 आने रोजाना वापस लेता था। बाकायदा 4 आने उसको रोजाना वापस किए जाते थे कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, मेरी चवानी वापस करो। और जमातों में झगड़ा होता है कि तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, उस जमात में झगड़ा होता था कि खाना अच्छा क्यों बनाया, इस पर लड़ते थे कि खर्चा ज्यादा हो रहा है। और खर्चा कितना हुआ था, 1 महीने का सफर, जाना आना बस का, जाना बस का आना, और उस जमाने में कोई खाना खिलाने वाले हैं, सब खुद पकाया, 2-4 जगह कहीं ज़ियाफ़त हुई, 2700 रुपये टोटल खर्च हुआ था। क्या ज्यादा खर्चा है, रोज लड़ाई, रोज लड़ाई। एक उसमें रामगढ़ था, उसको अजान का बड़ा शौक था, वो जाते ही अजान देनी शुरू कर दी। ओ भाई अल्लाह के वास्ते, अब भाई तू मस्जिद के मामले में दखल ना दे, क्यों ना दू, गर्दन लंबी होगी, मुअज्जिन की गर्दन लंबी होगी, मैं तो दूंगा। वो अमीर भी चिट्टा अनपढ़ था, बिल्कुल अनपढ़, मतलब अजीब वो नमूना थी जब, यानी उसमें हर ऐसा एलिमेंट मौजूद था कि मैं बिस्तर उठा के भाग जाऊं। लेकिन मुझे उसी से फायदा हो कि तबलीग मालूमाती मेहनत नहीं है, तबलीग सिफात को सीखने की मेहनत। इल्म को सीखने के लिए मदरसे हैं, उलमा हैं, तबलीग तो सिफात को सीखने की मेहनत। ईमान कितना बना। मैं जब वापस आया तो मैं बैठा था मस्जिद में, तो एक शख्स ने पूछा आप कहाँ गए थे, कितना सफर था, मैंने बताया। कहने का आपने क्या सीखा, उन्होंने मुझसे कहा आपने क्या सीखा, मैंने कहा मैंने अपनी मर्जी के खिलाफ करना सीखा। कहा माशाल्लाह माशाल्लाह आपने बहुत सीखा, बहुत सीखा। वो सारी जिंदगी उससे पहले अपनी मर्जी पे गुजरी, अपनी चाहतें, अल्लाह ने मां बाप से दिया हुआ बहुत कुछ, लेकिन जो मुझे, जो मेरी बुनियाद बनी वो सफर था जिसमें रोज लड़ाई होती थी। Guru